ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े व्यापार के बारे में आज हर कोई जानता है, लेकिन आप इसके बारे में नहीं जानते तो मैं बता दूं कि ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस का एक आसान सा मतलब है यातायात के साधनों की मदद से कोई बिजनेस करना। अब आपने देखा होगा कि जब आप मार्केट से कोई सामान खरीदते हैं जिन्हें ले जाने में आपको परेशानी आती है, या ऐसा कहें कि आपको कोई प्रोडक्ट डिलीवर कराना हो, तो आप संबंधित गाँव में खुद न जाकर ट्रांसपोर्ट कंपनी की मदद लेते हैं और उन्हें उस सामान का भुगतान करके अपने सामान को हम निर्धारित स्थानों तक पहुँचवा देते हैं। और यही होता है एक ट्रांसपोर्ट बिजनेस में। आज के समय में इस बिजनेस में काफी प्रॉफिट है और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोग इसे अच्छा खासा भुगतान भी कर देते हैं। क्या होनी चाहिए आपकी बिजनेस प्लानिंग? ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। आप कौन से गांव में किस तरह के वाहनों के साथ किन लोगों को कैसी सेवा देना चाहते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। पहाड़ी गांव में आपको उसके हिसाब से प्लानिंग करनी पड़ती है और प्लेन्स के गांव में उस हिसाब से। इसके साथ ही आप किस तरह के वाहनों की सेवा देना चाहते हैं आपको पहले से पता होना चाहिए। कैसे खोल सकते हैं आप खुद की ट्रांसपोर्ट कंपनी? की ट्रांसपोर्ट कंपनी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद ही आपको इस कंपनी को शुरू करने के लिए शॉप एक्ट लाइसेंस जीएसटी नंबर हासिल करना होता है। इसके लिए आपको 10,000 रुपए चुकाने पड़ेंगे। इसके बाद ही आपको ये सभी जरूरत की चीजें हासिल हो पाएंगी। इसके बाद आपको ट्रांसपोर्टेशन के साधनों को अरेंज करना पड़ेगा और साथ ही आपको गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर की भी जरूरत पड़ेगी। आप अपनी कंपनी के लिए कितनी गाड़ियां ले रहे हैं उस हिसाब से आपको ड्राइवर्स को रखना होगा। इसके बाद आप अपनी कंपनी शुरू कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि व्यवसाय को करने के लिए आपको आसानी से 70-80% लोन मिल जाएगा, वो भी काफी कम ब्याज रेट में। ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के कुछ आइडिया। कार रेंटल बिजनेस। ट्रांसपोर्ट बिजनेस में सबसे पहला आता है अपनी कार को रेंट में देना, जिसके जरिए आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन कुछ गांव में काफी कम लोग ही होते हैं जो कार रेंट पर लेना पसंद करते हैं, अक्सर क्योंकि गांव में लोगों के पास या तो खुद की कार होती है या वो पैदल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना ज्यादा सही मानते हैं। हालांकि आप इसे किसी शहर में ही शुरू कर दें तो ज्यादा लाभकारी रहेगा। पैकर्स और मूवर्स। ये एक ऐसा ट्रांसपोर्ट का काम है जिसे कोई भी आसानी से शुरू कर सकता है। इस समय हर शहर और गांव में लोगों को पैकर्स एंड मूवर्स सर्विस की जरूरत पड़ती है। लोगों का सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए सर्विस काफी लोकप्रिय है। आप चाहें तो अपने गांव या फिर दूसरे गांव में ये सर्विस शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको गांव की जरूरत के हिसाब और मांग के आधार पर सामान सप्लाई कर सकते हैं। बस सर्विस। गांव हो या शहर, भारत का एक बड़ा तबका हर रोज बस का इस्तेमाल करता है। हर दिन लोगों को किसी न किसी काम से यहां से वहां जाना होता है, इसलिए आप चाहें तो किसी गांव में आप बस सर्विस से सेवा शुरू कर सकते हैं। किसी गांव में बस ट्रांसपोर्ट सर्विस शुरू करना काफी अच्छा आइडिया है, लेकिन एक बस के लिए आपको इसके लिए बड़ा निवेश करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन इसमें आपको फायदा भी काफी होगा। अक्सर लोग शादी, बारात या फिर किसी दूसरी चीजों के लिए बस की बुकिंग कराते हैं। आप चाहें तो इसके लिए भी सेवा प्रदान कर सकते हैं। ट्रक या डंपर की सर्विस। ट्रक और डंपर का उपयोग लोग केवल ट्रांसपोर्ट के लिए ही करते हैं। रेत, मिट्टी, बजरी या फिर दूसरे मटेरियल की सप्लाई के लिए भी आप इसकी सर्विस शुरू कर सकते हैं। फिर चाहे गांव हो या शहर, किसी को रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, आप चाहे तो इस काम को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए पैसा प्रति ट्रॉली के हिसाब से तय किया जाता है। कितने बजट में शुरू होगा आपका बिजनेस? ट्रांसपोर्ट बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको काफी बड़े बजट की जरूरत पड़ती है। बड़ी गाड़ियों और दूसरे ट्रांसपोर्ट वाहनों को खरीदने के लिए आपको काफी पैसे की जरूरत पड़ती है, इसलिए इस बिजनेस में एक खास आंकड़े को नहीं तय किया जा सकता, क्योंकि एक या दो वाहन के साथ आप इसे शुरू करेंगे तो आपको इसमें ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए अगर आपके पास 5 से ज्यादा वाहन है तो आप अच्छा लाभ कमा पाएंगे। इसके साथ ही सबसे जरूरी है कि आप किस तरह के वाहन की सेवा दे रहे हैं। वाहनों के साथ ही आपको इनके लिए ड्राइवर भी रखने होंगे। इनकी महीने की सैलरी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन। इसका रजिस्ट्रेशन केंद्र सरकार की तरफ से करना पड़ता है और इसमें आपको शॉप एक्ट बिजनेस आधार के साथ जीएसटी नंबर भी लेना पड़ता है। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप ट्रांसपोर्टेशन का व्यापार कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट बिजनेस के लिए फाइनेंस। ट्रांसपोर्ट कंपनी को शुरू करने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट के साधनों को खरीदना पड़ेगा और इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सरकारी मदद भी लेनी पड़ेगी। केंद्र सरकार की तरफ से आपको 80% लोन आसानी से मिल जाएगा, लेकिन यहां आप एक सीमा में बन सकते हैं, वो कि आप अपनी कंपनी के लिए केवल 10 ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां ही खरीद सकते हैं। यानी अपनी इन्वेस्टमेंट में 80% की मदद आपको सरकार की तरफ से आसानी से मिल जाती है। इसके बाद आपके 20% पैसे अपने बिजनेस के लिए खर्च करने पड़ते हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनी को बढ़ाने के लिए क्या करें?
सबसे पहले आपको इसके लिए अपने ग्राहकों को अच्छी सेवा देनी होगी। ट्रांसपोर्ट बिजनेस में समय का काफी बड़ा रोल रहता है। अगर आप समय पर अपने ग्राहकों की मांग पूरी करते हैं तो आपको भी इसका काफी फायदा मिलेगा। इसी तरह अपने बिजनेस की सेफ्टी के लिए पूरी सावधानियां बरतें और आप अपनी कंपनी के लिए जो भी चालक रखते समय उसमें विशेष रूप से ध्यान दें कि उसे सही से गाड़ी चलाना आती है या नहीं, गांव की सड़कों में गाड़ी चलाने का आपके चालक को अनुभव है या नहीं। इसके साथ ही आप इस बात का भी ख्याल रखें कि चालक को कोई या किसी दूसरी चीज की आदत तो नहीं है। वाहनों की सेवाएं लेने के साथ ही आपको इसकी सर्विसिंग भी समय समय पर करानी पड़ेगी। गाँव की सड़कों पर चलने के कारण वाहन अक्सर खराब जाते हैं। कोशिश करें कि आप इन्हें समय समय पर चेक कराते रहें। अपनी खुद की कंपनी खोलने से पहले आपको इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि आप कितने वाहनों के साथ अपना काम शुरू करने वाले हैं और आगे समय के साथ कितने वाहन लेंगे। इसके लिए आपको अपना बिजनेस प्लान तैयार करना होगा। साथ ही आप किस तरह के कस्टमर को किस तरह के ट्रांसपोर्ट की सर्विस दे रहे हैं, इसकी भी प्लानिंग आपको सही तरीके से करनी पड़ेगी, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकें। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।